तो नमस्कार इंडिया, आई नो एंड आई होप कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होंगे। और मेरा क्या ऑप्शन, मेरा तो रिजल्ट आ गया एंड रिजल्ट के बाद जो पार्ट टू था उस वीडियो में बताऊंगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीट कोड बताऊंगा। तो गाइस ये थंबनेल लिख लेना। हाँ, इस थंबनेल में जो भी चिट कोड है उसके बारे में आज कौन बकचोदी करेगा, तुम्हारा उपसियरी। हाँ तो गाइस तुम्हें पता है कि तुम्हारे उपसियरी को तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। ओके गाइस, तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए, हे गाइस, गेम छोर और सबके स्वागत है हमारे उपसियरी के चैनल पर। बड़े महान व्यक्ति उपसियरी का आज मूड ख़राब है क्योंकि उसकी मम्मी ने आज डांट दिया है। और क्यों डांटा मुझे खुद ही नहीं पता, मम्मी का दिमाग ख़राब होता है तो जो सामने मिलता है वो इंसान, चाहे वो तुम्हारा महान उपसियरी क्यों ना हो, मम्मी के लिए उपसियरी ये तो डांट पड़ा मुझे। अब डांट क्यों पड़ा वो भी बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक देखना, एक भी सीन मिस मत करना। सीन मतलब बोल सकते हम भी, सेकंड भी मत मिस करना यार, पूरा वीडियो देख लो, मेरा बॉस टाइम बढ़ जाएगा, इतनी तो दया कर दो गाइस। उपसियरी हाथ फैला के तुमसे मैं गिफ्ट मांग रहा हूँ, देखो भाई मेरे इतने अच्छे नंबर आए मैं खुश हुआ, उसका गिफ्ट तो तुम लोग दे ही सकते हो गाइस। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ऑफकोर्स हमारे जुरासिक पार्क में, और इस जुरासिक पार्क में सिर्फ डायनासोर मिलते हैं। और इस गेम की खासियत बात है कि हम लोग डायनासोर पाल भी सकते हैं। हाँ, पालने का मतलब हम उन्हें मंगा सकते हैं बट वो हमारी बात नहीं सुनते, पता नहीं, बस एक डायनासोर है जो प्यारा सा है उसके ऊपर हम बैठ के घूम भी सकते हैं। और उसी तरह एक घोड़ा भी है जो चना की जगह पता नहीं किसी का दिमाग खाता है, पर वो भी घोड़ा अच्छा है, उस पर हम बैठ के चल सकते हैं। और सबसे वफादार ऑफकोर्स बोलते नहीं हैं लोग, इंसान से भी ज़्यादा वफादार होता है डॉग, एंड हमारे पास एक पालतू डॉग भी है जिस पर हम चल सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली आज मैं बहुत ब्लॉक पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले ब्लॉक का थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि ऑफकोर्स मेरा रिजल्ट आया था तो यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी है, एक बड़ी मम्मी मेरी गुस्सा रहती है हम लोगों से, एक बड़ी मम्मी हमसे बात करती है, तो उन्होंने हमसे पार्टी मांगा था, तो हमारा फर्ज था पार्टी देना, मतलब उन्होंने नहीं उनके बच्चों ने मांगा था, वो उन्होंने नहीं मांगा। तो क्या हुआ, सबके अलग अलग डिमांड थे, किसी को मोतीचूर के लड्डू खाने थे, किसी को बूंदी के लड्डू खाने थे, किसी को रसगुल्ले खाने थे, किसी को रोल खाने थे, किसी को समोसे खाने थे, मतलब सबका अलग अलग डिमांड था, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें लेना। पहले तो ज़्यादा कंफर्म नहीं था क्योंकि उनकी फैमिली में अभी लगभग 5 है, मेरे बड़े पापा थोड़ा ऑफकोर्स आउट ऑफ टाउन काम करते हैं तो वो उधर है। ओके गाइस, तो अब 2-3 का तो मेरी बहन का तो था, उनका मुझे पता चल गया था कि वो क्या खाएंगे, मैंने उनसे पूछ लिया था मेरी बहनों से कि क्या क्या खाओगे, तो मैं कंफर्म हो गया था। बट मेरे और भी भाई हैं उनको, उनका कंफर्म नहीं था। हाँ, तो फाइनली क्या हुआ कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो बिना फ़ोन टीवी का मन लगाने वाला मेरा भाई है, सचिन नाम है उसका। ओके गाइस, तो प्लीज़ मैं उसका यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, जाके तुम सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब तुम सर्च करोगे सचिन, एस एस कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सब स्मॉल लेटर आएगा सचिन, एंड वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे छोटा सा लाइन सचिन के बाद एक लाइन डालना, उसके बाद डालना वाई टी, छोटा वाई और टी भी छोटा, उसके बाद 234 डालोगे तो उसका चैनल आ जाएगा जिस पे मेरी तरह ही वो इस गेम के शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ जाओ उसका सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, चैनल मैंने 2-3 बार बोला पर तुम लोग मेरे सुनते नहीं हो, और शायद तुम नहीं किया हो बट मुझे पता नहीं, अगर तुम कर देते हो उसका चैनल तो प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट हाँ में हाँ ना में लिख दिया करो, तो मैं कंफर्म हो जाऊँ, तो उन लोगों को नहीं सुनाऊँगा। ओके गाइज, हाँ तो वो मेरा जो फेवरेट भाई सचिन बोल सकते हैं, यहाँ उससे मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो हमेशा खाता रहता है हमारे बिहार में। देखो गाइज, दिल्ली में जो रोल मिलता है वो डिफरेंट है, उस रोल के अंदर ओनली चाउमीन होता है, और जो यहाँ पे रोल मिलता है वहाँ के अंदर में क्या क्या होता है, देखो वहाँ इस रोल में वो 20 का एक रोल मिलता है, जिसके अंदर अंडा होता है, चाउमीन होता है, ऊपर से वो एक बोल सकते हो सूजी मैदा, हाँ मुझे सूजी और मैदे में बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है गाइज, तो सूजी से हलवा बनता है और मैदा थोड़ा बहुत एकदम प्लेन होता है, एकदम फ्लैट होता है, समझो जो भी बोलो यार, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उस ऊपर से मिक्स रहता है, 20 रुपये का एक मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। हाँ तो फाइनली गाइस, एक्चुअली मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया पर एक बात बताना चाहूँगा, पता है ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कल, ऑफकोर्स कल सुबह होगा, आज 14 मई है तो ये 15 मई को होगा, एक्चुअली मैं कंफर्म कर लूँ कि आज 14 मई है, ऑफकोर्स गाइस आज 14 मई है, कल 15 मई है, तो ये 15 मई को वीडियो अपलोड होगा, बट ये 14 मई को मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी 7 बज रहा है मैम बिहार में गाइस, नॉर्मली 8-9-10 बजे तक लोग सो जाते हैं, मतलब ये तो आजकल ज़्यादा हो गया कि लोग ज़्यादा देर तक डरते, पर ना 8-9 बजे तो लास्ट टाइम होता है सबके जगने का, तो ये 7 बजे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भी मैंने एडिटिंग नहीं किया क्योंकि मैं एडिटिंग कभी भी बैठ कर सकता हूँ बट वॉइस ओवर कभी भी बैठ कर नहीं कर सकता, यहाँ पे उधर से लोग सुनते हैं, उधर से सुनते हैं, उधर से सुनते हैं।
हाँ तो फाइनली मैं ऑफ कोर्स सबके लिए बाजार गया था। मैं मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार रियल में, दूसरी बार बोल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जब मैं गया था तो उतने लोग नहीं थे बाजार में, मैं अपनी दादी को लेने गया था। एंड दूसरी बार जो बोलो पहली ही बोलो, पहली बार बाजार गया भाई, यहाँ पे बहुत लोग दिखे बिना बाजार के भी। आजकल वहाँ पे बाजार है और इतने सारे लोग दिखे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बड़ा खुश हुआ वहाँ पे जाके, मुझे सारी चीज़ें याद है। और यहाँ पे मुझे मेरा स्कूल जहाँ मैं पुराने नए, मैं दो तीन जगह स्कूल पढ़ रखा हूँ, ट्यूशन, मुझे सब कुछ एवरीवन टू एवरीवन याद है। तो फाइनली मैं एक और अपने दूसरे भाई को लेके गया, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं किसके लिए क्या क्या लूँ, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे एक मिठाई का डब्बा ले लेंगे, पर यहाँ पे मेरी बहनें कह रही हैं, मतलब कह रही थी कि यहाँ पे मिठाई का डब्बा अच्छा नहीं मिलता, बनियापुर हमारे इधर एक फेमस इलाका है, जगह का नाम है, उधर मिलता है। तो अभी रात तो हो चुका था, तो मैंने बोला कि चलो अब तुम्हें जो जो खाना मैं वही ला दूंगा, मिठाई का डब्बा नहीं आएगा। तो मैंने उससे रास्ते में बहुत पूछा कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद है। तो ऑफ कोर्स सब ने बोला कि, उसने बताया कि इसको ये पसंद है वो पसंद है, तो मैंने फाइनली ले लिया। एंड मैंने पूछा कि तुझे क्या पसंद है, तू बता तेरे को क्या पसंद। तो उसने बोला कि मैं बोलूँगा तो खिला देगा, मैंने बोला बोल तो यार, तू बोल मैं खिलाऊंगा। तो उसने बोला मुझे अंडा रोल खाना है, मैंने उसको खरीद दिया और मैंने अपने प्यारे फेवरेट भाई सचिन के लिए अंडा रोल लिया। एंड लिटरली गाइस मैं पास हुआ था ना, तो मैं सच बोलूँ ना, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खाया। देखो मैंने सबके लिए लिया, अपनी दादी के लिए भी लिया और मैं अपनी बड़ी मम्मी की फैमिली के लिए भी ले लिया, मम्मी के लिए भी ले लिया, अपने छोटे भाई को भी खिला दिया। एंड मैंने क्या खाया, कुछ नहीं, लिटरली मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 रुपये बचे थे लास्ट में, तो मैंने उसके जंजीरे लिए। आई लाइक आई लव यू जलजीरा। एक्चुअली गाइस ना मैं बहुत जलजीरा खाता हूँ, तो मुझे जलजीरा अच्छा लगता है, और मुझे कोई भी मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं हुआ, मतलब मुझे कोई भी बुरा नहीं हुआ कि मैंने नहीं खाया, मैं ही पास हूँ, मैंने ही एक मिठाई नहीं खाया, कुछ नहीं खाई है, कुछ नहीं। भाई उस दिन पता चला था कि इतने से नंबर की वैल्यू, मेरी नज़रों में तो उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होता भाई, मैं पास हूँ बस मेरे लिए खुश था। बट यहाँ के अकॉर्डिंग पापा चाहते थे कि मैं फर्स्ट डिविज़न से पास हूँ, तो भाई उतने से नंबर के लिए पापा कितने खुश थे, और भाई मम्मी की खुशी तो ठिकाना ही नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं रियल में मैं अपनी खुशी के लिए अपने सपने पूरा करूँगा तो उनको कितना खुशी होगा। मतलब ना फील हुआ कि नंबर की वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं होता, बट मम्मी पापा के लिए कितनी बड़ा नंबर की वैल्यू होता है गाइस। तो अच्छा लगा कि मेरे फर्स्ट डिवीज़न आए गाँव के अकॉर्डिंग, बट मेरा रियल परसेंटेज आई थिंक 60% बन रहा है। हाँ तो गाइस क्या हुआ ना कि कल का दिन अच्छा था, मतलब खुश थी मम्मी पापा सब, मैं सब ठीक थे। बट आज का दिन सुबह भी ठीक ठाक था, बस शाम को जब मम्मी फ़ोन लेकर बाजार गई, आई थिंक कुछ पैसे वैसे निकलवाने थे, पापा ने भेजे थे खर्च लाने के लिए, घर खर्च यहाँ पे बिहार में है हम, तो शायद फ़ोन से निकला नहीं, आधार कार्ड से लेकर जाते तो निकलता है ना, तो कुछ निकला नहीं। तो मेरी मम्मी का दिमाग हाइपर हो गया, तो यहाँ पे आके मुझे सुना रही है कि पानी नहीं था, पानी ला के रख देना चाहिए था, ये वो, मैंने ये बोला फलाना ढिंकाना। मतलब थोड़े देर में ना मेरी मम्मी का मूड ये से वो हो गया, वो से वो हो जाता है, मतलब कोई आइडिया नहीं रहता उनके मूड का और उनके दिमाग का। जब मन करे तब शांति से प्यार से बात करती है। हाँ क्या बोला गाइस, दिल्ली में रहती थी तब मम्मी बोलती थी उससे अच्छा तो मैं गांव में जाकर रहूँ, इतना परेशान करते तुम लोग मेरे को, पर यहाँ पे आ गई तो इससे कह रही कि तू भी गांव चले जाता अपने भाई की तरह, तू भी बहुत परेशान करते रहते ये फलाना ढिंकन। मैंने बोला आज आपको रहना कहाँ है, एक जगह बता दो जहाँ आप शांति से रह सकते हो, वहाँ पर आप जाके रह लेना। तो गाइस फैमिली में तो इतनी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, इसका मैं नहीं दिल पे लेता, ना मेरी मम्मी दिल पे लेती रहती है, हम मजाक में भी लड़ते रहते हैं। तो फाइनली गाइस अगर यहाँ तक तुम्हें मेरी बकचोदी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड ये वीडियो जिसको शेयर करना चाहो अपने भाई बहन जीजा साला साली एनीथिंग पर्सन, उसको वीडियो शेयर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीडेंट तो होना नॉर्मल है, और इस वीडियो में भी तुमने देखा होगा कि मेरी में कितना एक्सीडेंट हुआ गाइस। तो एक्चुअली गाइस उस टाइम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं इतने आराम से, क्योंकि मम्मी शायद बाहर गई हुई थी अभी, तो हम आवाज़ नहीं सुन रही थी, अभी गुस्सा में है, तो अभी मैं बोलेंगी तो क्या रिकॉर्ड करता रहता है दिन भर ये गुस्सा फ़ोन में लगा रहता है। तो अब मम्मी आ गई तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो को एंड किया जाए। हाँ तो फाइनली गाइस जो मैंने शुरू में थंबनेल दिखाया था ना, एक्चुअली उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है हमारे गेम में, पर कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं हूँ ना बताने के लिए। हमारी पूरी टीम है, उपसी, यारी, मोई, सचिन, फैज, फरहान और गेम के डेवलपर। ओके गाइस, तो अगर कोई नेक्स्ट चीट कोड आता है तो मैं अपडेट करूँगा, उसके आने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। एंड हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जो कुछ करना है पर कर दो, तभी तो गेम के डेवलपर और न्यू चेंजेस लाएंगे और न्यू
चिट कोड लाएंगे भाई, वो देखेंगे कि इस गेम की वीडियो वायरल हो रही है, तभी तो अपने गेम के अंदर न्यू चेंजेस लाएंगे। ओके, एंड जो मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं उनको दिल से शुक्रिया। टेक केयर, बाय गाइस।